नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM भारत न्यूज। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना रुख किया साफ। अजीत सिंह के जन्म दिवस पर जयंत चौधरी का बयान, मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है, हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी थी, NDA के साथ जाने का फैसला लिया, कार्यकर्ता हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट PNM भारत न्यूज। परिवर्तन देश में हुए, राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ, लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव रिफॉर्म हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका चौधरी अजीत सिंह जी की रही और आज भी देश का किसान अपना मानता है। जो उन्होंने काम किया और बहुत व्यक्तिगत तौर पे अनुभव लोगों को लंबे हैं, जो लोग आज मौजूद हैं, लंबे समय से लोग उन्होंने बहुत समय चौधरी साहब के साथ बिताया, उनकी हर खुशी में और हर दुख में ये लोग साझे रहे, एक परिवार के नाते सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और मैं सबसे मिलूंगा। जैन जी, जिस तरह से आपकी जो खबर आ रही है, आप NDA के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों, बहुत कम समय में अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जब भारत रत्न से नवाजा गया है हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे, कब आप NDA के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप भी। धन्यवाद।